काम चलिए। देखिए आक्रोश ये कोई जज्बाती नहीं है, या आक्रोश जन विरोधी जब सरकारें जब काम करने लगती है तो जनता सड़कों पर उतरती है और जनता की आवाज़ बन करके उनकी आवाज़ को बुलंद करना आपका हम सबका दायित्व है। आप सिर्फ महंगाई को लेकर के चलेंगे तो इस देश के साथ ये जब सत्ता में आए थे हम उस बात को उन्हीं को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके जो आज वर्तमान में मंत्री लोग हैं, जब केंद्र में यूपीए की सरकार हुआ करती थी ये लोग हाय तोबा छाती पीटा करते थे, थाली पीटा करते थे, सिलेंडर लेकर के यही स्मृति ईरानी सड़कों पर उतरती थी। स्मृति ईरानी जी आप बड़ी बहन हैं, आप कहाँ हैं? आप इस देश के बहनों के साथ न्याय दिलाने के लिए हम आपका भगवा पहन लिए हैं, लेकिन आपका पुतला भी जला रहे हैं जनाधिकार के झंडों से। हमें मान रहे हैं कि देश की जनता को आप ठग लिए हैं और सत्ता में बैठे हैं, हम भी आपको प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री आप हमारे भी हैं, लेकिन देश की जनता और देश की बेटियां और माँ और बहनें, रसोई में काम करने वाली हमारी माँ हमारी बहनें ये आवाज़ दे करके पूछना चाहती है कि पैसे बेतहाशा वृद्धि कैसे? जब सरकार आपको बनानी होती है, देश में चुनाव होता है तो कुछ आप घटा देते हैं, चुनाव बढ़ता है तो किस्तों में महंगाई आप धीरे धीरे एक रुपया पैसे में 2 रुपया 10 रुपया करके बढ़ाते हैं। इस तरह का छल प्रपंच आप करके देश की जनता को कब तक शोषण करते रहिएगा और कब तक सत्ता में बने रहिएगा? देखिए सड़कों पर आंदोलन हमारा कब नहीं रहा है, ये महंगाई करते हैं तब रहा है, ये नोटबंदी और अन्य जीएसटी से लेकर के तमाम चीज़ें जब देश में जनहित के खिलाफ जब ये लाए तब भी हम सड़कों पर थे। ये जब देश के किसानों के साथ अत्याचार गुल किए, ये देश को नफरत की आग में जब झोंकना चाहे एनआरसी के माध्यम से तब भी हम सड़कों पर थे। ये देश में जब युवाओं को लेकर रोजगार के लेकर के लाठी गोली जब चलाते हैं ये और इनकी प्रशासन तब भी हम सड़कों पर रहते हैं। महंगाई पेट्रोल के लिए हम लगातार लड़ते रहे, हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी लड़ते रहे, हम कब सड़कों पर नहीं हैं? हम बार बार और हर बार इस डबल इंजन की सरकार को चेताते रहे हैं कि आप जागो, देश की जनता को महंगाई की आग में मत जलाओ, देश की बेटियों और माताओं की